हाथ रख लो अर्शी की दुनिया माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग अचानक आए हो गए हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ। तो और हम लोग आ गए हैं कुरई टोल प्लाजा में आ गए हैं। और पहले हम इसको कहते थे कुरई टोल प्लाजा, लेकिन ये कुरई टोल प्लाजा। नमक है? अच्छा है। तो हम लोग ने घर पे वीडियो शूट नहीं किया था, ताकि हम लोग एकदम अचानक तैयारियां हुई थी। हम लोग फिर फटाफट तैयार हो गए और पूरा सामान रख लिया खाने पीने का भी, और फिर हम लोग ने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। तो हम लोग आ गए कराई में, तो हम लोग ने कहा हम चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। तो गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो उस खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और राजा देखो, राजा कह रहे हैं यहाँ पर पानी बहुत नमक है। नमक कहाँ है अपने? चाय के लिए नमक बहुत है। हाँ, सबकी चाय बोल रहे, ताकि सभी लोग चाय भी पियेंगे। ये देखिए गाइस, तो पूरा ही टोल प्लाजा, और ये टोल प्लाजा की हटके है जरा यहाँ। और खाने की पूरी तैयारियाँ हो रही हैं, और चाय का भी ऑर्डर कर दिया गया है। ताकि किसी को पता ही नहीं था हम लोग को आज अजमेर के लिए निकलना है, तो कुछ कोई ना तैयारी थी ना कुछ था। 12 बज रहा है, क्या टाइमिंग हो रही है राजा? क्या टाइमिंग हो रही है? हाँ, 12:32 हो गए। तो अब हम लोगों को लगी थी भूख, तो सबका मन था, भूख भी लग रही थी, और सबने चाय के लिए ऑर्डर कर दिया गया। तो अब हम लोग बिरयानी हम लोग पर घर से लेकर आए हैं, चाय यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। उसके बाद गाइस, आप लोगों को खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और भाई को लग रही थी ठंडक, तो भाई एसी में चल रही, गाड़ी में चली, तो भाई को लग रही थी। देखो राजा, विंडो खुली है कार की, तो हमारी ये गर्मा गर्म बिरयानी तो अब आई गई, मतलब ठंडी हो गई है, पर हम बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए अपी सर्व कर रही है सभी को, मूली बैग में रखी, कार पे जाना, पीछे डिग्गी पे है रखी है मूली। तो बिरयानी खाने का तो हमारा बहुत ही मन कर रहा था, कि हमने घर पे खा के नहीं आए थे, और ये लोग तो कुछ लोग खा के भी आए थे। नम्रा खा के आई थी घर से, नम्रा ने तो पूरा पेट भर खाने खा के आई थी, भूख लगी बाद में, फिर बिरयानी देख के, बिरयानी की वजह से इसको भूख लगी है। राजा कैसी बनी है? अच्छी बनी है, पर ठंडी हो गई होगी, अम्मा नहीं खाएंगी। आ गई हमारी मूली, जो कि हम लोग सलाद तो मूली के बगैर खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग घर से लेकर आए थे मूली, तो बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं, तो मूली की बहुत अच्छी लग रही है। चावल तुम्हारे नहीं खा रहे? हाँ देखा, कुल्लर की चाय बहुत ही अच्छी लगती पीने में। राजा ये देखो, हम लोग सिस्टम के यहाँ है, सब चाय वाला गाड़ी में पूरा किचन है, और ये अपनी चाय रखते हैं। आज जो है ठंडा हो रही, इस टाइम ठंड लग रही है, नहीं हमें लग रही है। ले नंबर, कुल्हड़ की चाय पी रहे थे, टेस्ट कैसा पहले बनी आपकी चाय? अच्छी बनी, इलायची की अदरक की चाय अच्छी टेस्ट। कुछ और डालती है, फ्लेवर होता है ना। हाँ।
फ्लेवर डालते हैं मतलब इतना कैसे आ जाए, फ्लेवर होता है फ्लेवर। हम लोग अदरक इतनी बहुत सारी डालते हैं तो भी नहीं आए। मैं कह रही हूं ये कूलर रख लेना, माँ काम आ जाएंगे। माँ भी कब मिल जाएंगे हम लोग तेरे शरीफ के तरीके। पहले नहीं याद था डिब्बे वाले कप रख लेंगे, फिर हम भूल गए। गाइस तो हम लोग ने चाय पी ली, अब हम लोग निकलते हैं अपने अगले सफर के लिए अजमेर के लिए। अजमेर को किसको किसको सरप्राइज लगाने में, सब कोई तो दोबारा आज नहीं बता पाएंगे। आपा भी आपा हम लोग के साथ नहीं आए, अम्मा आपा अब आएंगे। पहले राजू भाई आए, भाई आए, भाई तो बहुत खर्च रहे हैं जो बात है। हाँ हम लोग नहीं खाते गिलास, भाई घर हुआ था ना कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब पहली बार आए थे कब आए, नहीं 23 नवंबर को आए थे। हाँ 23 नवंबर साल होने से भरतपुर आ गए हैं। भरतपुर आ गए हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है सारा, ये हम लोग को सब पिछली बार हम लोग को सब मिल चुके थे, सब दोबारा दोबारा मिलना देखते हैं। खूबसूरत भरतपुर हम लोग आ गए थे। जयपुर रह गया 50 किलोमीटर, तो हम लोग ने लिए यहाँ पे पंप में कोल्ड ड्रिंक। अभी हम इसमें पिएंगे चाय। कौन वाली दीपा आ रही है, जयपुर वाली? टोल रोड यहाँ तक का टोल वसूला है। टोल रोड समाप्त, बहुत टोल लेते हैं भाई कानपुर से यहाँ तक। भाई कह रहे लूट के रख दिया सर। अब आगे कहाँ मिलता, आ गए पहाड़ खूब ग्रीन है बारिश की वजह से। रात की वजह समझ में नहीं आ रहा ये सब चीजें दिन में दिखाएंगे लेकिन। अरे ये तो वही मूल है, ये हुई जयपुर की गुफा में हम लोग इंटर। अरे भाईजान कहाँ जा रहा था, अरे भाईजान भाईजान हम लोगों का काफी रूट चेंज हो गया। फिर turn right onto Mirza Ismail Road. wow. हम लोग आ गए अजमेर, आगमन आपका स्वागत करता है। ये देखिए गाइस ये हम लोग ख्वाजा साहब के लिए एंटर हो रहे हैं अंदर। यहीं भी हम लोग सनरूफ में खड़े हुए थे ना, राजा इसी में तो लगा था म्यूजिक बहुत अच्छी लग रही थी। ये पास आएंगे अब पास जो है अजमेर में एंटर हो चुके हैं और हम लोग यहाँ आ गए हैं चौराहे पर। तो यहाँ से पता चलता है कि होटल का रूम कैसे कहाँ पर लिया जाता है। तो भैया जो आगे बाइक में चल रहे हैं ये हम लोग को होटल लेकर आ रहे हैं। तो ये अपने होटल का लोकेशन दिखाई, जैसा भी हमको जो समझ में आएगा तो हम यहाँ पर होटल लेंगे या नहीं तो हमें देख कर ही पता चले। अब हम लोग अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। नहीं नहीं वो वाला ज्यादा वही बेहतर है, बस इसमें ये देखो बस कि ये मिल जा रहा बाहर आ जाओगे तो ये है। इतनी इतनी सी जगह की वजह से वो छोटा लेना पड़ा। नहीं वो ज्यादा हम लोग पर बैठा रहेगा, स्पेस ज्यादा वो ठीक है उसमें, स्पेस ज्यादा अम्मा उसमें लेटने बैठने के लिए स्पेस ज्यादा। गाइस तो अपने रूम में आ गए हैं तो अब यहाँ पर फ्रेश रेस होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा अभी देखें फिर उसके बाद आप लोगों को पूरे रूम का व्यू दिखाऊंगी। तो ये लोग नहा धो के फ्रेश हो लिए थे तो इन लोगों को कसके भूख लग रही थी तो ये लोग अपने खाना खा ले रहे हैं और बाकी लोग भी फ्रेश होना तो उसके बाद खाते। और हमारा किचन ये देखिए, ये फ्रेंड्स ये बना है किचन हमारा। और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ से लिफ्ट से हम लोग ग्राउंड फ्लोर से हैं, यहाँ पर आते हैं गैलरी मिलती और यहाँ पे वेटिंग रूम मिलता है। और यहाँ पे गैलरी गई है हमारे लोगों के जिसमें रूम में हम लोग होते हैं वो इस गैलरी से होते हुए वो गया है। तो ये हम लोगों का रूम है 103। तो आइए मैं आप लोगों को अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ
नसरा के लिए एक और था, अभी तो था क्लीन। अच्छा कार में रह गया। और बाकी लोग देखो नहाए फ्रेश होने के बाद सभी लोग मोबाइल देख रहे हैं ताकि हम लोगों का वेट कर रहे हैं निकलने का। और भाई यहाँ पर न्यूज़ सुन रहे हैं ताकि भाई को ने सबसे पहले फ्रेश हो लिए थे तो भाई ने एक घंटे से आराम कर लिया, उसके बाद भाई अपना न्यूज़ देखते हैं फिर इसके से। और इसी कम्बाइंड में ये लगा बाथरूम। और यहाँ पर कवर दी गई है भाई, तो हम लोगों ने अपना सारा जो सामान था वैसा तो हम लोगों ने अपना इसमें रख लिया। फिर ये टेबल चेयर दी गई है यहाँ पर, और ये चीज़ें रखी है स्नैक्स वगैरह। तो ये नम्रा के लिए तो फ़ायदेमंद हो गया ताकि नम्रा को यहाँ स्नैक्स के लिए दुकान मिल गई है, ताकि अब नम्रा फ्रेश हो के नहा धो के अपने खाने के लिए कह रही हैं। हाँ अभी सब दी अभी, और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मिली, किस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अंडरग्राउंड एसी लगी हुई है। ये सही रहेगा, नम्रा को बार बार जरूरत में लगे, पानी की प्रॉब्लम नहीं, फ्रिज वगैरह सब अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। तो अब हम जाते हैं मेन सबसे अहम जगह आई है फ्रिज, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सही है। ये हम लोग ने कैन लिए हुए हैं, ये डेयरी में लिया है, ये कोल्ड ड्रिंक ली हुई है यहाँ पर, और फ्रूट्स वगैरह हम लोगों के, बाकी इन लोग से बाकी सब सामान लिया हुआ। और इसके सपोर्ट में ऊपर ये लगा था, इसमें हम लोगों ने भी सामान रख दिया अपना। और ये है मिलर अटैच, हाँ इसी में अटैच ये। और फिर उसके बाद जो बाथरूम था उसके एक ही रूम में दो अटैच बाथरूम है, इसका एक बाथरूम ये है, एक बाथरूम इसका ये है। और हम लोगों ने सबसे अच्छी बात ये हो गई ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, सब लोग फ्रेश हो गए जल्दी से, ताकि दो बाथरूम मिल गए थे। सबसे अच्छा बात ये हो गई, हम कह रहे हैं दो बाथरूम मिल गए, दो बाथरूम मिल गए, सबको जल्दी से फ्रेश हो लिया। और उसी की रूम के ही सपोर्ट में वॉशरूम वाला भी इसी में दे दिया, और इसी मिलर भी दे दिया, और कबाड़ भी दे दिया, और नीचे फ्रिज का भी दे दिया। लगता नहीं कि बगल में नहीं लगता नहीं वो लगता कबाड़ है। और इसी के अपोजिट पे, और इसका तभी तो हम बाहर गए भी नहीं, ये है बालकनी यहाँ की। और नीचे का यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए गाइस। तो इस टाइम धूप बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग चलते हैं अंदर अभी। तो चलें सब लोग, रेडी हो गए? अम्मा भी रेडी हो गई? हाँ अम्मा दवा खाने जा रही हैं, नारियल भी ले आते भूल गए थे। अम्मा मल्टा काट दो, अम्मा पहले मल्टा खा ले फिर निकलें, सबसे अच्छा। हाँ मल्टा ही है, फोन नंबर बता गए थे रिसेप्शन का, ऊपर हम भूल गए क्या बता रहे थे, 109 बताया था, फिर एक कुछ एक और बताया था, उसमें हम कंफ्यूज हो गए कौन किसका था। यहाँ से निकलना डर के लिए तो चलते हैं, फिर उसके बाद आप लोग रहते हैं। और राजा को सफाई की ज्यादा, ताकि हम लोग वहाँ से थक उसमें आए तो हम लोगों को साफ सुथरा मिले, ताकि करना नहीं पड़े। राजा हम लोगों के साथ हैदराबाद में, राजा बहुत सफाई करते थे हैदराबाद में। हाँ वहाँ भी करते थे, तो राजा को ये काम, ये चीज राजा की अच्छी लगती है। तो चलते घर में, नहीं करते घर में, कोई और करे, घर घर में काम नहीं है। भाई कह रहा है ये सब दबाव में कर रहा है, राजा
ये सब दबाव भी नहीं कर रहा, राजा को साफ सफाई पसंद ही है, सबको पता है ये बात। नहीं दबाव नहीं रहना, राजा हैदराबाद में करता, राजा अपने हॉस्टल वाले रूम में भी प्रॉपर बनाए रहता। सब जितने राजा के दोस्त सबसे अच्छा रूम राजा का है। तो चलते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ताकि दरगाह का एग्जाम भी हो जाए तो निकलते हैं। इसी बार हम लोग ने जो है होटल बहुत अच्छा लिया, पिछली बार जो लिया था घसर पसर वाला रूम बहुत था। हाँ ये रोड पे है और थोड़ा सा पार्किंग निकलो तो नील कमल, कौन सा हमें नाम नहीं पड़ा था, नील कमल बस नम्रा यहाँ पे गाइस तो यहाँ सुनने में आ रहा है तो मोबाइल की जो है यहाँ पे छीना झपटी बहुत होती है तो हम बहुत कम ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ का, तो अभी हम रख लेते हैं, जब दरगाह पर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर जरूर देखें। हम लोग अपने होटल आ गए नील कमल, हाँ यही वाला है, तो हम लोग ज्यारत करके निकल आए थे तो अब हम लोग अपने होटल के भी करीब आ गए। नील कमल छत पे चलेंगे, टेरिस पे चलेंगे, टेरिस पे चलेंगे। देखो पेड़ है, पेड़ या वो है, ये पत्थर के बने हैं, कुछ देखेंगे आगे। लूट वो बहुत है, लूट मार बहुत, हाँ लूट मार बहुत खींचा था। लेकिन चिकन वाली गली से पहले घूमी, चढ़ी है तुम लोग, तुम लोग दूसरी वाली गली से आई हो, चढ़िया चलती हम पहली गली से आ गए। पहले तो हम तो तुम्हारे साथ आगे चल रहे, फिर एकदम तो दो मिनट पहले तुम अलग हो गए, फिर हमें नहीं समझ में, तुम बहुत जल्दी आ गए, तुमने झूठ कह दिया, अब्बा के बजे चिल्लाए ना, पता चला आ ही गए तुम। तो गाइस तो हम लोग अपने होटल आ गए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग मिलते हैं। धीमे धीमे सब लोग भी आ रहे हैं, पानी की बोतल निकालो फ्रिज से, देखो सार खोलो दो, देखो इधर तो नहीं, आ गए भाई आ गए।
चलो गाइस इसके बाद मिलते हैं, थोड़ा पानी यानी पी लें, थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद आप तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम कुकिंग करेंगे, ताकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो चाय का ही रखते हैं, ताकि हम लोग चाय अपनी खुद की बनाकर ही पीते हैं। पर हम लोग अजमेर शरीफ आते हैं तो यहाँ पर खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है और अजीब अजीब चीज़ों से बना होता है, तो हम लोग यहाँ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं आलू गोभी टमाटर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई, और यहाँ पर तसला नहीं था, पीने भगोने में आटा गूंद लिया और बड़ी हंसी आ रही थी, कैसे गूंद रहा है, फिर भी कहीं उल्टा सीधा ऐसे हो रहा है, कर ले रहे हैं चलो। और फिर यहाँ पर नम्रा जो है पढ़ाई कर रही थी और नम्रा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो नम्रा अपना बीच बीच में टाइम निकाल कर नम्रा पढ़ाई भी कर ले रही है अपनी एबीएस की। ये हम लोग खाना खा रहे हैं, ये मेरे निकल आए, ये मैंने मोटी रोटी बनाई है, ये अर्शी और अप्पी खा रहे हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई। और फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाई हम लोग ने आज, सब लोग खाना खा चुके हैं। कैसा बना? तो हम लोग ने खाना खा पी के फ्री हो लिए हैं और हम लोगों की चाय बन रही है, तो हम लोग चाय पी लें फिर उम्मी, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर दूँ, ताकि अब ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और ये देखिए सब लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं तारागढ़ की चढ़ाई जाएंगे तो वहाँ टाइम लगेगा, हाँ तारागढ़ की चढ़ाई में जाएंगे वहाँ टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं ढाई दिन के जो पे जाएंगे। तो मेरे गाइस तो आप लोग इसी कमेंट कर बता रही है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, तो मिलते हैं नए, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय सी यू। और नेक्स्ट ब्लॉग भी यहीं का होगा, तो आप लोग जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए ब्लॉग आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिए। बाय बाय।